नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आज 2 अगस्त 2023 हो चुका है और जयपुर अगर बात करें मौसम की तो जयपुर का मौसम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट, प्याज में क्या माहौल बन रहा है, तेजी है या मंदी है, कितनी आवक आमदनी है, ग्राहकी कैसी, कैसे हो सर? बढ़िया सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। तो सर आज क्या बाजार खुला है प्याज का? पहले तो यार आलू का, पहले प्याज का सर। प्याज का तो भैया देखो बढ़िया माल 17 रुपए दिख रहा है। 17 रुपए नासिक वाला सर? और सर नीचे में क्या बिका है? नीचे में 12-13 रुपए। 12-13 रुपए, तो यानी 1 से 1.5 रुपए के तेजी का माहौल है सर। तेजी का माहौल है, जैसे 2 दिन पहले जो खुला माल था, हाँ जी, 16 से 17-18 के बीच में भी हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी। तो सर आवक की बात करें तो आवक कैसी है? आवक पहले से कम है। पहले से कम है, जैसे बीच में 15-20 गाड़ी 25 गाड़ी तक होगी इतना। बिल्कुल बिल्कुल, 10-1 गाड़ी रह गई है। बिल्कुल सर, तो थोड़ा थोड़ा अगर आवक कम आएगी तो भाव किसानों को मिल सकता है सर। और क्या है कि थोड़ा सा मौसम खुलेगा ना, अभी थोड़ा बरसात का मौसम, इसलिए भी थोड़ा सा है। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम खुलेगा तो प्याज में थोड़ा सा उठान आएगा। बिल्कुल सर। और सर मथानिया वगैरह की बात करें तो मथानिया भी 12 से 16 रुपए बिक रहा है। 12 से 16 कल वैसे माल तो देखो 8-10 भी बिक रही है, हल्के माल है, जो चोपड़ा वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो 8 रुपए मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, बढ़िया माल 12 से लेके और 16 के बीच में। बिल्कुल, कल वैसे 20 रुपए के आसपास भी बिका था नासिक वाला सर, वो एक का लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, बल्क में जो माल बोला एक का लॉट ज्यादा बढ़िया हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, 20 ही बिक जाएगा 19 ही बिक जाएगा, आज भी 17-18 बिक ही रहा है। और सर अच्छी क्वालिटी का यानी सुपर माल अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है सर, जो कैसे सुपर माल यूं नहीं आ रहा है कि सुपर माल जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो तो वही लोग ले लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, थोड़ा यहां से महंगा, जो रेट हम यहां बेच रहे हैं वो रेट वहां हो चुका है। बिल्कुल, तो एवरेज जो भाव है आज प्याज का लगभग 13-14 रुपए से लेकर एवरेज भाव कम से कम 13 रुपए और ऊपर में 18 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, एवरेज माल पता 16-17 के ज्यादातर 16-15 रुपए ज्यादा यही बिक रहा है सर। तो सर क्या संभावना लग रही है सर? संभावना लग रही है मेरे ख्याल में अगर लास्ट तक थोड़ा 2-4 रुपए बढ़ना चाहिए, 2-4 रुपए बढ़ जाएगा सर। 20-25 तक पहुंच जाना चाहिए। और सितंबर में तो कहा अगर प्याज की ऐसी कंडीशन 30 बिक सकता है, 30 भी बिक सकता है। जरा सा भी मौसम खुल जाता है इधर नया या थोड़ा लेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और डिमांड थोड़ा अच्छी निकल जाए 30 ही पहुंच सकता है। और वो तो सर साउथ वाली फसल के ऊपर भी है, वो कैसी निकलती है उस हिसाब से। बिल्कुल, लेट हो जाती है ना थोड़ा सा डिमांड आ जाए, अगर बिल्कुल जल्दी आ जाती है थोड़ा। स्टॉक की बात करें तो सर अभी कितना स्टॉक समझे सर? स्टॉक पर्याप्त है, स्टॉक कभी नहीं है, थोड़ा माल खराब हुआ है जैसे बरसात में, वो हल्के माल जल्दी निकल रहे हैं। बिल्कुल, बाकी स्टॉक बढ़िया पर्याप्त है, स्टॉक में कोई कमी नहीं। नहीं, टोटल अगर 30% बचा है, 40% बचा है अंदाजा, माल तो देखो 50% है। 50% है, पर कुछ किसान भाई जैसे कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि अभी इतना जो 30% मैक्सिमम हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, 40 से 50 बीच में वो थोड़ा सा, हाँ क्वालिटी अच्छी क्वालिटी 30% के आसपास होगी, लेकिन थोड़ा 19 भी है, बढ़िया भी है, बढ़िया माल। तो सर 50% में भी अगर मान लो ऐसा ही मौसम रहा तो एक महीने के अंदर सर मेरा 15 से 20% प्याज खराब भी हो जाएगा सर। खपत होगी 15% एक महीने में, खपत होगी, खपत भी हो जाएगी और खराब भी हो जाएगा सर। खराब थोड़ा बहुत होगा, खराब तो इतना ज्यादा नहीं होगा, पर खपत 15% होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मौसम बारिश का रहता है, उमस का रहता है तो सर प्याज खराब होती ही होती है। मौसम खुलेगा तो सेल भी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी भी सही होगी प्याज। बिल्कुल सर, मौसम बरसात का वो थोड़ा सा सीम रहती है ना, तो क्वालिटी खराब होती है। तो अपने यहाँ पे प्याज जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन से एरिया से प्याज आता है, जैसे पूना वगैरह? महाराष्ट्र में देखो मेरे नासिक के आसपास जो लासल गाँव है, पीपल गाँव है। अच्छा जी सर, और जितने आसपास के गाँव है जो नासिक की जो बेल्ट है। बिल्कुल, उसी बेल्ट में जाता है। पूना से भी कुछ गाड़ियाँ आती है? पूना से भी आती है, नासिक से थोड़ा ज्यादा ऊपर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो नासिक बेल्ट में जाता है, पीपल गाँव, लासल गाँव, ये 4-5 गाँव है। बिल्कुल सर, सब प्याज के बल्क में होता है। और सर अगर बात करें एमपी वाले तो एमपी का भी प्याज आता है? एमपी का भी आता है, एमपी का सोचो तो जैसे तो ये राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है अपना। हाँ जी सर, जैसे निकल जाएंगे तो नीमच है, बिल्कुल है, इस साइड में प्याज होता है, रतलाम है। बिल्कुल, साइड से भी एमपी का प्याज तो अपने यहाँ कम आता है सर, वैसे इंदौर वाले आता तो है सर, जैसे इधर आगर, आगरपुर है। बिल्कुल, और इधर जो रतलाम है, जावरा है, नीमच है, मंदसौर है, इस साइड का थोड़ा थोड़ा बॉर्डर पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसान भाइयों को किस तरह प्याज निकालते रहना चाहिए, किस हिसाब से आप थोड़ा सा बताएं? निकालते रहेंगे तभी कुछ मिलेगा, अगर सब रोक देंगे तो प्याज कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल,
अब सभी अगर 30 से 40 के भाव के चक्कर में अगर रोक देंगे तो वो 30 40 वाला भाव भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो एक साथ निकालेंगे, मंडी में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो भाव कहां से बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी मंडी में मेन बात यह है कि प्रेशर ना बनाए, बस थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे तो भाव भी मिलता चलेगा और उनको धीरे धीरे उम्मीद होगी कि बढ़ भी जाएगा। बिल्कुल सर, अगर प्रेशर से ऐसे बीच में उम्मीद लगी, बीच पहले ही हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ज्यादा प्रेशर आ गया फिर वो 4-5 डाउन हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बीच तक पहुंचा है, अब ज्यादा प्रेशर करते फिर डाउन हो सकता है। बिल्कुल सर, तो यानी मंडियों को प्रेशर ना दे बस। और सर बात करें आलू की, तो आज आलू की आज कुल मिलाकर के 53 गाड़ियां 53 गाड़ियां हैं सर, तो बैलेंस भी है कुछ। बैलेंस कल 3 गाड़ी थी, 3 गाड़ियां थी, टोटल 50 गाड़ी आज की आवक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ऊपर में क्या बिका है सर आलू? ऊपर में आज 12-13 बिका है, 12-13 रुपए आलू बिका है सर। 18 रुपए किलो भी टाइट है आज, रुपए टाइट है सर। ग्राहकी कैसी है सर? ग्राहकी ठीक है, हल्के माल तो वही 9-10 बिक रहे हैं। अच्छा जी सर, एवरेज माल बिक रहे हैं 10-11 के बीच में। ठीक है जी सर, बढ़िया माल सुपर में 12.5 एक 13 ही बिका। बिल्कुल, और सर अगर इसकी स्टॉक की बात करें तो कैसा पीछे क्या पोजीशन है आलू का? स्टॉक देखो अभी माने तो कोल्ड स्टोर में रहता है अभी। बिल्कुल, नई फसल तो जाकर के अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट में आएगी। बिल्कुल सर, वो शुरू में, लेकिन अभी जो स्टोर से माल निकला है करीब 35% माल निकला है। अच्छा जी सर, और अभी महीने करीब आपका समझो अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवंबर 4 महीने तक है। बिल्कुल, 4 महीने में अभी सरप्लस है माल। बिल्कुल बिल्कुल, माल की कमी नहीं है, ज्यादा तेजी नहीं। हालांकि आगरा में यहाँ से माल तेज बिक रहा है, वो बढ़िया क्वालिटी का माल है, 14-15 रुपए बिक रहा है। बिल्कुल सर, वो क्या है साउथ में जाता है, साउथ में चलो तो जैसे साउथ की जितनी मंडियाँ है, चाहे चेन्नई है, बिल्कुल, चाहे बेंगलोर है, और मंडियाँ है ऐसे ही महाराष्ट्र में, चाहे मुंबई है, पुणे है, नासिक है, इनमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का माल मांगते हैं, तो वहाँ पर वो 14-15 रुपए बिक जाता है, 16 रुपए तक भी बिक जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, और अपने यहाँ थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का आता है सर। क्वालिटी में आती है, एक दिन की मंडी है, रात-रात 6-7 घंटे की मंडी है। बिल्कुल, आगरा बेल्ट से माल ज्यादा आता है। बिल्कुल, 6-7 घंटे मंडी हो जाती है। बिल्कुल, हल्के माल भी चले जाते हैं और किसान तुरंत पैसा लेके चला जाता है। बिल्कुल, जरूरत पैसे की तुरंत पैसा लेके आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 6-7 घंटे में कंप्लीट काम हो जाता है सर। बेच कर निकल जाता है वहाँ, तो क्या 7 मिल जाता है, 3-4 दिन की मंडी होती है, फिर वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट आता है, 7-8 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल सर, तो सर आलू के भाव कुछ बढ़ सकते हैं? नहीं, आलू के चांस नहीं है अभी, अगर ये राखी तक थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा, उसके बाद थोड़ा डाउन के चांस है, ज्यादा महंगे के चांस है नहीं। अभी आपके स्टॉक है आलू में वही चलेगा 12-13 दिन से ज्यादा आलू नहीं जाएगा। और अपने यहाँ आलू 37-97 में यही आलू आ रहा है सर? 37-97 कम आ रहा है, हाइब्रिड ज्यादा आ रहा है, हाइब्रिड ज्यादा 9-10-11 बिक रहा है, ज्यादातर आलू 9-10 बिक रहा है हाइब्रिड में, और बढ़िया माल बिक रहा है 10-12 के बीच में। ज्यादा बीआईपी माल आता है, जो सिलेक्टेड माल आते हैं, एक आध लोड कुछ 12.5 बिकते हैं, 13 बिकते हैं। और सर बात करें लाल आलू की, तो उसकी क्या पोजीशन? दो तीन आते हैं, हॉलैंड आता है, एलआर आता है, एलआर कम बिकता है, हॉलैंड थोड़ा लंबी चाल का आलू। बिल्कुल बिल्कुल, लंबी चाल जो आलू आता है वो कलर पे होता है, जितना कलर होगा 14-15 बिक जाता है वो, और कलर कम होता है, थोड़ा फिनिशिंग कम होती है, वो 12-13 के बीच में बिकता है। बिल्कुल सर, तो कहने का मतलब अपने यहाँ पे जो आलू की सिर्फ एक दो ब्रांड के ऊपर ही पकड़ है, यानी 37-97 और हाइब्रिड। हाइब्रिड दूसरा क्या, उसमें भी क्वालिटी। अच्छा जी, कलर देखता है, कलर अच्छा में है, और उसमें चिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है, कलर सही लग रहा है, साइज सही है, तो थोड़ा महंगा दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सर प्याज किसानों को क्या कहना चाहोगे आप? भैया निकालते रहे, अभी थोड़ा तेजी का माहौल है, 2 पैसे उनको मिल भी जाएंगे, ज्यादा तेजी में ना बैठे, अगर माल रुक जाएगा तो फिर ज्यादा तेजी नहीं है। बिल्कुल सर, और अच्छी क्वालिटी का है तो थोड़ा थोड़ा करके अपना रोकते भी रहो। बिल्कुल सर, चलो जी सर, अपना मोबाइल नंबर 9-140-51-51। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर आपका। ऐसी ये सभी जानकारी विनोद भाई से लेने वाले हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया सर। तो आज क्या प्याज की पोजीशन है? आज आमदनी थोड़ी कम है, प्याज में 1-2 रुपए टाइट। टाइट है आज। तो आवक की बात करें तो कितनी आवक है? थोड़ी कम है, मथानिया की जो है कि नासिक की 10-11 गाड़ी। अच्छा जी, और मथानिया भोपालगढ़? मथानिया 15-16 गाड़ी होंगे। अच्छा जी, तो ऊपर में क्या बिका आज? ऊपर 17-18 रुपए बिका है। 17-18 रुपए बिका, 14 रुपए। और जो चोपड़ा वगैरह है? चोपड़ा ये 7-8 रुपए। ये वाला, ये आप देख सकते हैं प्याज की कंडीशन, चोपड़ा है 7-8 रुपए के आसपास। तो सर दो दिन से कुछ से थोड़ा सा टाइट है। अच्छा जी, अच्छा, तो संभावना कैसी लग रही है सर आने वाले समय? बाजार टाइट है तो यहाँ पर आमदनी कम होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे मौसम भी साफ हो रहा है तो ग्राहकी भी ठीक ठाक हो रही है, तो आने वाला समय कैसा मान सकते हो? जो पैसे तो बढ़ेंगे पर अगले 15 तारीख के बाद मान रहे हो? 15 अगस्त के बाद ही थोड़ा संभावना लग रही है। अच्छा जी, तो सर अपने यहाँ पे ग्राहकी किस चीज़ की है? नासिक वाले की है, मथानिया वगैरह की है? दोनों की है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे सर? किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों को हल्के माल निकालते रहो, बढ़िया माल स्टॉक में रखो, थोड़ा सा भाव मिल सकता है उनको पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो जी सर, अपना मोबाइल नंबर बताएं। 7148443893 चलो जी।